हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे क्या एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आया हुआ है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड अगस्त 23 को इसका एग्जैक्टली क्या निकल के आया है, जस्ट फ्यू मिनट्स के पहले ही यहाँ पे नोटिस आउट करोगे इस कंपनी का न्यूज़ किया है। यहाँ पे कंपनी बोल रही है, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज रिसीव इट ऑर्डर। कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है अंडर द सेक्शन ऑफ 73। ये कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ अंडर द सेक्शन ऑफ 73 द गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, एक्चुअली क्या रिसीव हुआ 2017। एंड किससे ऑर्डर मिला कंपनी को, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कंपनी को ये क्या ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन अगस्त 22, 2024। मीन्स वेस्ट बंगाल के थ्रू ही, मीन्स वहाँ पे जो स्टेट गुड एंड जो सर्विस टैक्स है वहाँ से कंपनी को ये क्या ऑर्डर मिला हुआ है। एंड ऑर्डर्स के जो डिटेल्स एक्जैक्टली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, शॉर्ट पेमेंट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे क्या दिया गया है, एंड नेचर एंड डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन इंस्टीट्यूट एंड ऑर्डर्स पासिड इनिशिएटेड ऑर्डर एंड पासिड, ये चीज़ यहाँ पे डिटेल्स क्या दी गई, कौन क्या करेगा, कितना अमाउंट का क्या रहेगा गुड एंड सर्विस टैक्स का, इंटरेस्ट कितना रहेगा, पेनल्टी एंड टोटल से एग्जैक्टली यहाँ पे क्या अमाउंट क्या दिए गए हैं जो भी यहाँ पे रहता है। बाकी ये काइंड ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर रिसीव होने के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा लाइक एक मूव हमको देखने को मिला है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करंटली जो शेयर है 806 के आसपास ट्रेड रहा, ऑलमोस्ट 1.36% अप है आफ्टर द न्यूज। कंपनी का शेयर अच्छा खासा भागा है। एंड इन केस इफ अगर आप आज के दिन इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी तो अच्छा खासा है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक होल्डिंग करने के लिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कंपनी है, ब्रोकिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है, मीन फाइनेंशियल सेक्टर में, डेफिनेटली आप इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये था कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।